दोस्तों एक दौर ऐसा था जहां रवीना टंडन पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा चुकी थी। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, एक से बढ़कर एक इनके गाने रहे हैं। इनके किरदारों को, इनकी फिल्मों को और इनके रोमांस को भी आज तक खूब याद किया जाता है। रवीना टंडन भले ही अब कम नजर आती हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन वो ये बात बखूबी जानती है कि किस तरह से लाइमलाइट में बने रहना है। हाल ही में उन्हें नच बलिए सीजन 9 शो में भी देखा गया था जज की कुर्सी पर। इसी के साथ वो कई शोज में अक्सर ही दिखाई देती रहती हैं और हाल ही में वो पहुंची थी लिव लव जैसे एक शो में। यहाँ पर नजर आई रवीना टंडन खूब एंजॉय करते हुए। उन्होंने जब इस शो पर शिरकत की तब भी उन्होंने खूब मस्ती की थी और जाते जाते हर किसी को खूब एंटरटेन वो करके गई। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक खुलासा कर दिया। यहाँ पर कई सवाल किए जा रहे थे उनकी यहाँ पर कोस्टार के साथ उनकी केमिस्ट्री के बारे में भी बात की जा रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ शाहरुख खान को लेकर रवीना टंडन को जैसा कहती हुई सामने आई कि उस बात पर हर कोई खूब हंस रहा था, क्योंकि कहना है शाहरुख खान का कि रवीना एक बहुत ही खूबसूरत महिला होने के साथ साथ एक ऐसी महिला है जिनसे आती है बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस। उनके साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है शाहरुख खान को। दरअसल यहाँ रवीना पूरी बात करती हुई यूं नजर आई कि शाहरुख खान हमेशा ही उनकी तारीफ करते रहते हैं कि आप में से मुझे बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, आपका ये सेंट मुझे बहुत पसंद आता है। रवीना का ये कहना था कि जब जब हम किसी साथ प्रोजेक्ट में आते थे, काम करते थे, तब शाहरुख खान मेरे पास आकर खड़े हो जाया करते थे और कहते थे कि मुझे ये स्मेल लेने दो, ये फ्रेग्रेंस लेने दो, मेरी ये फेवरेट है। ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने तो तब भी अपनी बात को आगे बढ़ा दिया था जब रवीना के पति के सामने उन्होंने ये बात कह दी। यहाँ पर कहती है रवीना कि मेरे पति अनिल के सामने शाहरुख खान आए और शाहरुख खान ने क्या बात कह दी कि तुम सबसे लकी बंदे हो यार, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होने के साथ साथ सबसे प्यारी महक वाली एक औरत भी है जिनके पास रहना मुझे हमेशा से ही खूब पसंद है। इनसे इतनी प्यारी स्मेल आती है, इतना प्यारा इनका फ्रेग्रेंस है कि मुझे इनसे दूर जाना जरा सा भी पसंद नहीं है। अब अनिल के सामने शाहरुख खान ने जिस तरीके से ये बात की थी, हर कोई इस बात पर खूब हंस रहा था। रवीना ने हमेशा ये बात कही है कि शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खास रही है, क्योंकि शाहरुख खान हमेशा ही अपने दिल खोलकर बात करते हैं और बहुत ही सही तरीके से अपनी बात को वो पेश भी करते हैं। यहाँ पर इस तरह की बात करते हुए शाहरुख खान अपना रिश्ता सिर्फ रवीना के साथ ही मजबूत करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, अनिल के साथ भी नजर आए थे। और देखा जाता है कि अक्सर इवेंट पे इनकी मुलाकात हुआ करती है और शाहरुख खान रवीना टंडन की एक केमिस्ट्री की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमेशा ही दर्शकों को याद भी रहती है, क्योंकि इनका रोमांस भी कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुका है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये जोड़ी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस जोड़ियों में से एक भी रही है। वेल, शाहरुख खान रवीना टंडन को आने वाले कई सालों में किसी प्रोजेक्ट में देखा जाए, ये इनके फैंस को जरूर उम्मीद रही होगी। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।